देखिए आज बहुत खुशी का टाइम है। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशन में संदीप पाठक जी के द्वारा हरियाणा में जो संगठन बनाया गया है आज उसका शपथ ग्रहण समारोह हमारे आज करनाल में है और वहां पर सारी टीम पलवल की शपथ ग्रहण के लिए जा रही है। डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है और हमारे संगठन जिस तरह से तैयार हुआ बहुत हम कर्मठता के साथ काम करेंगे। 2024 में मौसम जबरदस्त है, हम भी अभी जवान हैं, युवा नेता हैं, सरकार बनाएंगे, आंकड़ेबाजी दिल्ली और पंजाब से लेंगे, 100% सत्ता में आएंगे। देखिए एक बेहद खुशी का माहौल है और आज शपथ ग्रहण के बाद आप देखेंगे हरियाणा में आम आदमी पार्टी में एक नए जोश की क्रांति होगी और आम आदमी पार्टी जरूर अपना मिशन 2024 पूरा करेगी। लुटेरी ही पार्टी है, सिवा लुटेरों के उन्होंने कुछ नहीं किया। 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आज हम शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, देखो कुदरत भी हमारे साथ है, कितना रमणीक मौसम बनाया हुआ है। डेफिनेट सरकार बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, चाहे कांग्रेस कितनी ताकत लगा ले, चाहे बीजेपी, चाहे जेजेपी, चाहे एनएलओ, सरकार आम आदमी पार्टी बनेगी क्योंकि आम आदमी लड़ने जा रहा चुनाव। एक्टिव भी तो मार सकती है मनोज सरकार, सपनों में भी पिछली बार भी कहा मारी थी, गठबंधन की तो सरकार बनी थी, 70-75 पार की बात करते थे, 40 सीटें भी नहीं आई, 40 पार ना, 40 भी पार नहीं हुई इस बार, इस बार 4, जहाँ से आए थे वहीं पहुँचेंगे। ये आपने नाश्ता किया यहाँ पर, क्या कर लिया सर? वही यहाँ से जो सबसे फेमस है पराठे और मक्खन यहाँ का फेमस है, वही हमने लिया है। अच्छा, करनाल में जो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, क्या लगता है 2024 में आम आदमी पार्टी सर आज, अब 2023 चल रही है, कार्यकर्ता जा रहे हैं शपथ लेने, 2024 में MLA हमारे जाएंगे शपथ लेने के लिए चंडीगढ़ के लिए, तैयारी पूरी है उसकी हमारी। क्या करेंगे अतुल जी, क्या करेंगे? कि आज हम शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं और जिस जोश से जा रहे हैं उसी जोश से 2024 में हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, सीएम कौन हो सकता है? सीएम तो ये तो हाई कमान डिसाइड करेगी, वैसे हमारी आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमियों में से निकल के सीएम आएगा। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।